বিকাশ, স্বাতি, এই চিঠি। ও কোথায় সারে লোক ইন্টেলিজেন্ট হোগে তো জিসকো ভি সমঝ মে নি আয়েঙ্গে না ও বার বার সুন লেনা, শায়দ সমঝ মে আ যায়। ঠিক হ্যায়, শুরু করতে হ্যায়। বিলকুল অচ্ছাই কে সাথ ইস ভিডিও মে শেয়ার করুঙ্গা আপনি কুছ পার্সনাল রিয়েল স্টোরিজ जो जोक्स बन गई बाय द टाइम, बिकॉज हम इतना फन करते थे और इतना एंजॉयमेंट करते थे, इतना एंजॉय करते थे कि सारी चीजें बहुत याद आ रही हैं इस टाइम। हम साथ में मिलके बैठ नहीं सकते। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि हम साथ में मिलके एक वीडियो बनाए, बट अभी के लिए कोरोना वायरस चल रहा है तो हम साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे। That's clear? तो मेरी पर्सनल स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूंगा जो फनी हो गई है। सी, मैं तो आपके सामने हूं जैसा भी, बट मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, लाइक हाउ दे आर इन रियल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय बेस्ट फ्रेंड इज चार्ली, हिज नेम इज संजय, बट वी कॉल हिम चार्ली बिकॉज हमारे टीचर ने उसका नाम रखा था चार्ली। एंड हमारे सामने अकलाता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा लाइक दैट, बट जैसी कोई लड़की आती है उसका अकलाना बंद हो जाता है, लाइक मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन हाउ यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग, यू आर जस्ट वंडरफुल, यू आर स्वीट एंड लाइक दैट। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि मतलब उसको किसी से बात करनी थी एंड उसको कन्विंस करना था। तो हम लोग लाइक हमें कैसे पता चला मतलब कि चार्ली भकलाता नहीं है लड़कियों के सामने। हमने उसको बोला कि आप जाओ उससे बात करो, और हम सब डरे हुए थे कि ये बंदा बात कैसे करता है। वो गया वहां पर थोड़ी देर वापिस आया, वापिस आया तो उसने बोला कि हाँ हो गया। हमने बोला ऐसे कैसे मतलब आप तो बता दो। तो उसने बोला कि नहीं मैं लड़कियों के सामने नहीं अकलाता है। तब से वो जोक समझ गया कि चार्ली हमारे लड़कों के सामने अकलाता है पर लड़कियों के सामने नहीं अकलाता। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज गोइंग टू कम नाउ। सेकंड वन इज गुरु, इट्स काइंड ऑफ डम, आई मीन थोड़ा ऐसी है ना, लाइक उसका नेचर है कि वो जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाता है। तो कितना डम है उसका एग्जांपल देता हूँ, लाइक गोलू इज डम। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये सारे लोग देखने को मिलेंगे जब कोरोना वायरस का अटैक खत्म हो जाएगा। तो इट इज लाइक एक लड़का है हमारा एक फ्रेंड, उसका इंट्रोडक्शन में बात करूंगा। उसने गोलू को बोला कि भाई मैं तेरे ना खिंचा के लात मारूंगा और तू ये दर्द सहलेगा। तो उसने बोला कि मेरे को दर्द नहीं होता, और इस बात को साबित करने के लिए उसने बोला ठीक है तू मेरे को लात मार ले, मेरे को दर्द नहीं होता, मैं झेल लूंगा। एंड द पर्सन उसने खिंचा के लात मारी गोलू, गोलू खड़ा रहा वहां पे थोड़ी देर, एंड आफ्टर दैट क्या किया उसने गया घर पे। एंड द नेक्स्ट डे मतलब वो वापस नहीं आया वहां से घर से, तो अगले दिन उसने क्या करा पैर में पट्टी बांध के चल रहा था। तो गोलू इज दैट डम। ओके, सेकंड इंट्रोडक्शन, वेट फॉर द थर्ड वन। नाउ वी हैव चिंकी, एंड हिज नेम इज हिमांशु, बट वी कॉल हिम बंदर। एंड लाइक हिमांशु'स निकनेम इज बंदर। एंड एज सून एज वी गेट टू हिज नेम, आई मीन जैसे ही हम बातों में इस नाम तक आते हैं तो हम सब मतलब इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लव, इज फुल ऑफ फन, मंथ इज फुल ऑफ फन, एंड हिज निकनेम इज बंदर। इट्स द थर्ड इंट्रोडक्शन, हिमांशु का बारे में क्या बताऊं मैं आपको, मतलब कि अगर हम कुछ भी जोक सोचें और उसमें हिमांशु को यानी कि उसके निकनेम के साथ बंदर के साथ ऐड कर दें तो वो जो ऑटोमेटिकली
100 times funnier ban jata hai. Like ek chidi thi aur ek bandar. Sharp words ke saath use karta hai wo sari jo next video mein hum